ये जो है ये सेपरेट अलग नहीं है, बिकॉज़ हम लोग जो है रिवर्स में रेस्क्यू करने के लिए हम लोग जो है हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है। ये जो एक ही एरिया में इतना लोग जो है कैजुअलिटीज होना, दिस इज़ फर्स्ट टाइम हमारे लिए भी। नॉर्मली बोट कैपसाइज होता है और बहुत बड़ा शिप्स वगैरह जो है इसमें हो जाता है, तो अदरवाइज दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि इस एरिया में इस टाइप का जो बहुत हाई लेवल नंबर्स में जो है इस टाइप का कैजुअलिटीज होना। इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ओनली चैलेंज इज़ दिस वाटर, दिस इज़ मडी वाटर एंड श्योर वाटर। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डाइवर्स जो है जब पानी के अंदर चले जाता है सर्च करने के लिए, उस समय थोड़ा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। सर, किस प्रकार से पूरा ये रेस्क्यू वर्क पूरी रात चला? आपकी टीम भी काफ़ी मेहनत की है पूरी रात, किस तरह से पूरा प्लानिंग किया? तो पूरा प्लानिंग क्या है, हमने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जैसा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, SDRF, फायर सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का और NDRF का, हमने तीनों पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो हमको दिया गया पार्ट में हमारा बोट्स के साथ हमारा डीप डाइवर्स ने उस एरिया में सर्च करके जो भी रेस्क्यू करना है तो रेस्क्यू किया था, अदरवाइज बॉडीज कुछ रिकवरी करना है तो उसको रिकवर किया था। सर, आपने बताया डीप डाइवर्स का, अभी भी कुछ बॉडी ऐसा माना जाता है कि शायद फंसी हुई है? शायद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो झूला का जो फ्लोर है, फ्लोर जो है नीचे गिरा है, उसका नीचे कुछ लोग हो सकता है बोल करके एक सस्पिशन है, तो इसलिए कि उसको दूर करने के लिए फिर हम लोग जो उस डीप डाइवर्स को का मदद से उस जो नीचे फ्लोर था उसको निकाल करके उसका एरिया को भी सर्च करेंगे। ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन सभी एजेंसी कर रही है, कितना लंबा चल सकता है जब तक ये कुछ माना ना जाए कि अब कोई बॉडी नहीं है तब तक चलेगा? यस, ये लास्ट मिनट लास्ट तक चलेगा, उसमें सभी लोग सेटिस्फाई होना है कि इसमें कोई भी डेड बॉडी या कोई भी आदमी इसके अंदर नहीं है बोल करके वो समय तक चलेगा। एक आपका नाम और डेसिग्नेशन भी बता दो। मैं VVN प्रसन्न कुमार, कमांडेंट NDRF बटालियन 6 NDRF वडोदरा।